से ज़्यादा लोग इस बैच में, समझ नहीं आ रहा क्या करना। चलिए खैर, हमारे पास एक डिसिप्लिन, हमने सब डिसिप्लिन और बचाया, दैट इज़ फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग बेसिकली मैकेनिकल में जैसे एक HVAC का सब डिसिप्लिन होता है, इसी तरह मैकेनिकल में एक और सब डिसिप्लिन होता है, दैट इज़ फायर फाइटिंग। तो हमें फायर फाइटिंग के लिए फ्लोर प्लान्स, सीलिंग प्लान्स और उसके एलिवेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें क्रिएट करना होगा। या मैकेनिकल के एलिवेशन काम आ जाएंगे, केवल आपको फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको फायर फाइटिंग के लिए फ्लोर प्लान सीलिंग प्लान क्रिएट करना है, वापस से जाएंगे आप व्यू टैब, व्यू टैब के अंदर आपके पास होता है प्लान व्यूज़, फ्लोर प्लान, एडिट टाइप, प्लम्बिंग प्लान। यहाँ जा करके मैंने एक काम किया कि प्लम्बिंग वाले को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसे बोल देता हूँ फायर प्लान। एक फायर प्लान बन गया, राइट साइड में नीचे आया, मेरा डिसिप्लिन है मुझे चाहिए मैकेनिकल और मेरा सब डिसिप्लिन मुझे चाहिए फायर फाइटिंग, जो यहाँ है नहीं। तो आप सब डिसिप्लिन में अगर कोई ऑप्शन नहीं है, आप नया ऑप्शन टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने बोला फायर फाइटिंग, आप जैसे ही लिख करके एंटर करोगे वो ऑटोमेटिकली सब डिसिप्लिन बन गया एक। तो देखो अब फायर फाइटिंग का ऑप्शन आने लगा, नया क्रिएट कर दिया आपने, अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया आपने, डू नॉट डुप्लीकेट हटाया, लेवल वन से रूफ तक सारे आपको क्रिएट करने, आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके किया, तो मैकेनिकल में ही एक नया सब डिसिप्लिन बन जाएगा, दैट इज़ फायर फाइटिंग, और फायर फाइटिंग के अंदर उसके सारे फ्लोर प्लान्स ऐड हो गए। मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब दूसरा हमें सीलिंग प्लान क्रिएट करना है, तो अगेन जाएंगे प्लान व्यू, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, एडिट टाइप, क्लिक, प्लम्बिंग सीलिंग, ये तो हमने यूज़ ही नहीं किया प्लम्बिंग में, तो प्लम्बिंग की सीलिंग को ही आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आप कर बोल दो इसका जो डिसिप्लिन है वो मैकेनिकल कर दो, सब डिसिप्लिन को फायर फाइटिंग कर दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, या उसको डुप्लीकेट करके आप बना भी सकते हो नाम देकर। मैंने बोला लेवल वन से लेवल फाइव तक का सीलिंग क्रिएट करना है, आप चेक करो मैकेनिकल, फायर फाइटिंग, सीलिंग प्लान भी ऐड हो गए, फ्लोर प्लान बन गया, सीलिंग प्लान बन गया। अगर आपको एलिवेशंस भी क्रिएट करने हैं तो अब तरीका देखो क्या करना है, सारे एलिवेशन को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आता नहीं है, तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, अगेन राइट क्लिक, डुप्लीकेट, अगेन साउथ को डुप्लीकेट एंड वेस्ट को डुप्लीकेट। अब ये जो कॉपी वाले एलिमेंट्स बनाए हैं आपने, इन चारों को सेलेक्ट करो, चारों को सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आओ, डिसिप्लिन मैकेनिकल, सब डिसिप्लिन में जाके इसकी प्रॉपर्टीज से फायर फाइटिंग अप्लाई कर दो। तो देखो ये फायर फाइटिंग में ही आ गए हैं, ऊपर एलिवेशंस भी ऐड हो गए, इनको यहाँ जा करके अब रीनेम कर दो। एक मिनट देना प्लीज, हाँ जी। सो अच्छा, हमने यस कर दिया आई थिंक, मैं वापस से आता हूँ और इसको रीनेम कर देते हैं, दैट इज़ 2- फायर प्लान, फिर नेक्स्ट चलते हैं। सिस्टम बिजी हो गया है, इसमें एलिवेशन क्यों ऐड नहीं है, फायर फाइटिंग के अलावा? मैंने बोला
बोला ऑप्शन है आपके पास, आपने वर्डिंग्स पे ध्यान नहीं दिया। अगर आपको अलग एलिवेशन बनाना है, क्योंकि मैकेनिकल के एलिवेशन पे आपको एचवीएसी की डक्ट, एयर टर्मिनल, फ्लैक्स डक्ट सब कुछ दिखेगा, तो हम उस एलिवेशन पे उन प्रॉपर्टीज को उसके व्यू टेम्पलेट में हाइड कर देंगे, जिससे आपको केवल फायर फाइटिंग का वर्क दिखाई दे। इसलिए आप नंबर ऑफ एलिवेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जी सर। सीलिंग पर आते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, सारे प्लान्स क्रिएट कर लिए। अब वापस आ जाते हैं फायर फाइटिंग के सीलिंग प्लान पर। ये फायर फाइटिंग का सीलिंग प्लान है। अब हमें यहाँ ये रीजन है, लेट से, जहाँ पर आपको फायर फाइटिंग का वर्क करना है। तो फायर फाइटिंग की, फायर सेफ्टी का काम तो हमारे इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में आता है। जब हमने फायर सेफ्टी के वहाँ आपको सारे स्मोक डिटेक्टर्स, कंट्रोल पैनल, हीट डिटेक्टर्स, मैनुअल पुल स्टेशन, वो सारे लगाकर उनको कनेक्ट करके दिखाया था आपको। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ऊपर अपना प्लम्बिंग वाले सिस्टम्स वाले टैब पर आएँ। सिस्टम्स वाले टैब में प्लम्बिंग एंड पाइपिंग का जो ऑप्शन होता है, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग में ही ऊपर की तरफ यहाँ एक स्प्रिंकलर का ऑप्शन होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्प्रिंकलर्स को प्लेस करना है। आप स्प्रिंकलर पर जा कर के क्लिक करेंगे, स्प्रिंकलर को पिक करेंगे। स्प्रिंकलर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज टैब से आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या यूज़ करना है। अगर आप क्लिक करेंगे स्प्रिंकलर को, यहाँ पर देखिए आपके पास मल्टीपल टाइप के स्प्रिंकलर्स के ऑप्शंस आते हैं। ड्राई का ऑप्शन है, ड्राई पेंडेंट, हॉरिजॉन्टल साइड वॉल या होस्टेड। इसमें से किसी भी साइज़ के आपको यूज़ करना है, या आपको फेस पर प्लेस करना है, जैसे सीलिंग पर प्लेस करना है, तो आप चूज़ कर सकते हैं किस टाइप का चाहिए। मैंने फ़िलहाल यहाँ से 20 mm वाला पेंडेंट यूज़ किया और मैंने बोला मुझे इस फेस पर प्लेस करना है। अब कितने यूज़ होंगे टोटल, ये कैसे पता चलेगा? आप क्या करिए, एक कंपोनेंट पर चेकआउट, चेक ऑन करने का तरीका ये होता है, एनोटेट टैब में डिटेल लाइन है, डिटेल लाइन से एक सर्कल बना दीजिए। आप देख लीजिए कि एक कितना एरिया कवर कर सकता है। अब इस सर्किल को कॉपी कर दीजिए आप हर एक के सेंटर पर। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि एरिया कवर हो रहा है एक रूम का पूरा या नहीं। आप देखो ये थोड़े थोड़े बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो आप इनको, सिस्टम्स को, अंदर की साइड थोड़ा शिफ्ट करो, वॉल से थोड़ा अंदर ये शिफ्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, एक एक सिस्टम को सेलेक्ट करके,
आप अंदर की तरफ उधर से भी मूव कर सकते हो। इससे आपको उनकी पोजीशनिंग का अंदाज़ा लग जाएगा, कहाँ बेटर आप उनको प्लेस करेंगे जिससे उनकी पोजीशनिंग की जा सके। ठीक है, ये केवल रेफरेंस के लिए है, एरिया कितना कवर अप होगा उसकी इंफॉर्मेशन आप ऐसे कर सकते हो। हो जाएगा जी। अब अगर किसी भी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, एलिवेशन से चेक करेंगे, एलिवेशन पे आपको सारे आइटम नज़र आएंगे। यहाँ देखो आपके जो हैं वो केवल ये कंपोनेंट हैं, तो अब आपको प्रॉब्लम आएंगी ना, इसलिए मैंने बोला था कि जब आप एलिवेशन पर होते हो, एलिवेशन पर होने के बाद नीचे की तरफ देखो, एक व्यू टेम्पलेट का ऑप्शन होता है, तो हम ये चाहते हैं यहाँ केवल फायर फाइटिंग का वर्क देखना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एचवीएसी डक्ट्स वगैरह को ऑफ करना पड़ेगा और एयर टर्मिनल को ऑफ करना पड़ेगा ताकि वो विजिबल ना हो, इसलिए मैंने एलिवेशन अलग बनाया। तो मैं जाऊँगा विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जा करके प्रॉपर्टी से डक्ट एक्सेसरी, डक्ट फिटिंग, डक्ट इंसुलेशन, डक्ट लाइनिंग, डक्ट प्लेस होल्डर, डक्ट सारी चीज़ें और फ्लैक्स डक्ट। मैंने सबको क्या किया, एक साथ सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया, डिसेबल हो गए। अब एयर टर्मिनल और बच गया, उसको भी कर दें ज़रा, ऊपर एयर टर्मिनल है उसे भी मैंने डिसेबल कर दिया। अब देखो आप, आपको बिल्कुल क्लीन मिला, आपको अपना वर्क देखना है केवल, वो आप अपना वर्क देख पाएंगे, लेकिन किसी भी दूसरे एलिवेशन पर हम जाएंगे वहाँ तो हमें नज़र आएगा। तो हम क्या करें, जो सेटिंग हमने साउथ एलिवेशन पे की है, हम इस सेटिंग को सेव करेंगे, इसका एक टेम्पलेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप व्यू टैब पर जाओ, ऊपर व्यू टैब में लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन होता है व्यू टेम्पलेट, आप व्यू टेम्पलेट पर क्लिक करें। यहाँ ऑप्शन आता है क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू, यहाँ क्लिक करो और नाम दे दो। मैंने बोला फायर फाइटिंग एलिवेशन, ओके कर दिया, फायर फाइटिंग एलिवेशन के नाम से टेम्पलेट अप्लाई हो गया है। आपसे अगर यहाँ चाहें तो आप फायर फाइटिंग एलिवेशन को यहाँ अप्लाई कर दो, ये अप्लाई हो गया। लेकिन इसको अप्लाई करते वक्त इसकी सेटिंग में से जैसे व्यू स्केल और डिटेल लेवल और हमारे पास होता है मॉडल डिस्प्ले, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को वहाँ से हटा दिया मैंने, अप्लाई ओके। चलो जी, अब किसी भी अदर पर जाओ, आपको कुछ नहीं करना, व्यू टेम्पलेट में जाना है, अपने व्यू टेम्पलेट को सेलेक्ट करके ओके कर देना है, अपने आप अप्लाई हो जाएगा। नॉर्थ पर जाओ, व्यू टेम्पलेट फायर फाइटिंग एलिवेशन, ये भी अप्लाई, और वेस्ट पर जाओ, यहाँ भी जा करके फायर फाइटिंग एलिवेशन, ये टेम्पलेट अप्लाई कर दो। तो व्यू टेम्पलेट अप्लाई हो गया। अब आपके फायर फाइटिंग के किसी भी एलिवेशन पर आपको एयर टर्मिनल, डक्ट, डक्ट की फिटिंग, डक्ट का इंसुलेशन, डक्ट का लाइनिंग और फ्लैक्स डक्ट, इसमें से कुछ नहीं दिखेगा, आपने वो डिसेबल कर दिया। अब बताइए, बात कुछ समझ में आई, क्यों एलिवेशन अलग बनाया था आमिर जी सर। जी। अब हमने क्या किया, यहाँ हमने स्प्रिंकलर्स ऐड कर दिए। अब स्प्रिंकलर्स को क्या करना होगा, पाइप से कनेक्ट करना होगा बेसिकली। तो आप वापस जाएंगे सीलिंग पर, सीलिंग पर जाने के बाद हम यहाँ से ऊपर अपने सिस्टम स्टेप पर आएंगे। सिस्टम स्टेप पर आने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, पाइप क्रिएट करना है। अब पाइप का क्रिएशन हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कल प्लम्बिंग के टाइम पर। अब हमें क्या करना है, पाइप क्रिएट करना है। तो पाइप को क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे एडिट टाइप, एडिट टाइप में जाके आप करिए डुप्लीकेट, और हम यहाँ जो पाइप यूज़ करते हैं ना फायर फाइटिंग के लिए, वो जी आई पाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप। ओके, राउटिंग प्रेफरेंसेस में जाइए, यहाँ जा करके आप चेक करो आयरन डक्टाइल, ये जो ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला आयरन डक्टाइल में 150 क्लास को यूज़ कर लिया मैंने, इसका मिनिमम साइज़ लेकिन 750 mm है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, आयरन डक्टाइल 22 ले लेते हैं, इसमें हमारे पास 80 mm तक के साइजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप अगर लोड फैमिली पर भी जाते हो तो अलग सेगमेंट्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ वेल्डेड वाले ऑप्शंस यूज़ करना है।
एल्बो और टी टैप, टी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं वेल्डेड वाला ऑप्शन, यहाँ पर भी यूनियन पीवीसी तो नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। फ्लेंच का ऑप्शन है नहीं, और यहाँ पर हमने ये सब एडिट किए, ओके कर दिए, राउटिंग प्रेफरेंसेस हमने सेव कर दिया। इसका जो सिस्टम टाइप हमें यूज़ करना है दैट इज़ फायर प्रोटेक्शन वेट। डायमीटर आपको क्या यूज़ करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप गए और आपने जाने के बाद अपना एक पाइप बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पाइप का एलिवेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या है। पाइप का एलिवेशन हमने बोला हम 2400 पर चल रहा है पाइप, ये पाइप है आपका, अब अगर आप इसको थोड़ा सा फाइन करें। अच्छा, सीलिंग प्लान की जो प्लम्बिंग सीलिंग है इसकी भी प्रॉपर्टी में से कुछ ऑप्शंस को हटाना पड़ेगा। अप्लाई, ओके, यहाँ से इसे फाइन करें, यहाँ से इसे शेडेड देखें थोड़ा, तो ये आपके पाइप्स आ गए। आप अगर सेलेक्ट करते हो कनेक्ट इन टू, इसको सेलेक्ट करोगे तो ये क्या है, हाइट की वजह से ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज़, जब आप इसे सेलेक्ट करके ये बनाओगे 20 mm का पाइप, अब आप देखो आपने सेलेक्ट किया जीआई का पाइप, जीआई में सबसे मिनिमम जो डायमीटर है वो कितना ले रहा है, 80 mm। पाइप का सेगमेंट क्या है, आयरन डक्टाइल 22, यानी कि इसके अंदर 80 mm से छोटा पाइप ही नहीं है, और इसके अंदर क्या चाहिए पाइप, 20 mm का। इसलिए जब आप कनेक्ट कर रहे हैं वो नीचे आपको एरर दे रहा है, रेविट कुड नॉट फाइंड अ मैचिंग पाइप सेगमेंट। हमने बोला ठीक है काम करते हैं, वापस जाते हैं प्लम्बिंग की सेटिंग्स के अंदर या मैकेनिकल सेटिंग्स, यहाँ पे पाइप सेटिंग्स में सेगमेंट एंड साइज, यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं आयरन डक्टाइल 22। यहाँ पे देखो मिनिमम साइज़ क्या है हमारा, 80 mm। हमने यहाँ पर न्यू साइज़ ऐड किया, मैंने बोला 20 mm का साइज़ मुझे यूज़ करना है, जिसका इनसाइड डायमीटर है लेट्स से नॉमिनल साइज 20, इनसाइड डायमीटर हमने लिया है 21.5 एंड यार नॉमिनल से अंदर ये 21 पॉइंट, ये इंक्रीज कैसे कर रहा है साइज को, समझ नहीं आई बात, इंटरनली तो कम होना चाहिए ना। ओके, एक साइज मैंने क्रिएट किया, ओके किया, अब मैं पाइप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ एडिट, मिनिमम साइज यहाँ भी डिफाइन करना पड़ेगा, 20 mm तक जा सकता है, ओके। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कनेक्ट इन टू दिस, नो ऑटो रूट सॉल्यूशन, यानी कि पाइप तो आ गया लेकिन ऑटोमेटिकली वो इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उसे। तो मैं जाता हूँ साउथ एलिवेशन पर, और साउथ एलिवेशन पर जाने के बाद मैं इसे चेक करता हूँ, ये मेरा पाइप है, ये मेरा कनेक्ट है। अब देखो पाइप को ऊपर से ऐसे कनेक्शन करना पड़ रहा है, पाइप को ऐसे जाना पड़ रहा है इस पाइप तक ऊपर जा कर के, तो क्या करना होगा, इसके एलिवेशन को चेक कर लें, अगर ये 2700 पर चल रहा है तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसका मतलब आपके अगर पाइप का जो एलिवेशन है वो 2700 पर होगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे इजीली। वापस से के सेलेक्ट किया आपने, इसका मिडिल एलिवेशन आपने किया 2700 पर, अब आप इसके एंड पर आकर के कैप लगा दीजिए, कैप ओपन एंड, अब आप सेलेक्ट करिए कनेक्ट इन टू दिस, देखो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आपने इस टी को सेलेक्ट किया, यहाँ से प्लस किया, और अब आप क्या कर सकते हैं इसको यहाँ से ला करके, अब आपको ये मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा, नो ऑटो रूट सॉल्यूशन अगेन। चलो जी इधर से चलेंगे, ड्रॉ पाइप, मगर पाइप मुझे क्या चाहिए, 20 mm का, तो मैं पाइप यहाँ तक बना रहा हूँ, यहाँ से ला करके मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो
मुझे मैनुअली बनाना पड़ा, थोड़ा सा उसे थिन कर लो तो आपको दिखाई देगा। थ्री में जाएं, यहाँ आकर के आप चेक करें, ये कुछ बन रहा है। उसने रिड्यूसर लगाने शुरू कर दिए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो यूज़ हो रहे हैं रिड्यूसर्स। अब आपको ध्यान रखना है आपको क्या क्या साइज चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। फिर इनकी फैमिली है, इससे आगे नहीं आना तो कुछ चीज़ें तो कॉमन चलेंगी। आपने इसे हटा दिया, आपने इसे सेलेक्ट किया, इधर से आपने माइनस कर दिया, तो ये केवल इतना पार्ट यूज़ हुआ। अब सेम इसी तरह यहाँ यूज़ करना है, आपने सेलेक्ट किया, कनेक्ट इन टू सेलेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। अब एक सेक्शन मिल गया, अब आप एक सेक्शन को ही उधर ले जा सकते हैं। फायर सीलिंग सेलेक्ट करिए, यहाँ से एड ऑन कर लीजिए, राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप, आगे चल के पाइप चाहिए आपको 20 का, तो वो अपने आप रिड्यूसर लगा देगा। इस तरीके से आप कनेक्शंस कर सकते हैं और अपने जो जो स्प्रिंकलर्स आपके हैं आप उनको पाइप्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, सारा पाइपिंग कर लेंगे। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं फायर फाइटिंग के लिए। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर प्लेस कर देने हैं किसी एक रूम में और उनको कनेक्ट करके देख लेना है, सिंपल। उसके बाद मैं बात करूं अगर पाइप्स की, तो इन पाइप्स की जो विजिबिलिटी होनी चाहिए वो थोड़ा रेड कलर से होना चाहिए इन सब सेगमेंट्स के बारे में। ये वाला जो मैंने पाइप यूज़ किया ना, ये थोड़ा हमें नज़र आना चाहिए बेसिकली रेड कलर से, फायर प्रोटेक्शन वेट। चलो जी, हमने बोला विजिबिलिटी ग्राफिक्स, विजिबिलिटी ग्राफिक्स डिसेबल्ड है सीलिंग प्लान के अंदर, तो यहाँ से इसे भी अनचेक कर देते हैं, विजिबिलिटी ग्राफिक्स। यहाँ से हम चलते हैं अपने पाइप्स, पाइप की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए राउटिंग प्रेफरेंसेस, सेगमेंट्स एंड साइजेस। आप एक काम करिएगा, आप इतना काम कंप्लीट करिएगा आज केवल, और फिर हम बात करेंगे इनके पाइप्स के कलर्स को सेगमेंट वाइज हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अलग से। कलर रेड हमें यूज करना है सर, कल क्लास होगी या फिर मंडे को क्लास होगी? बेटे ये बात मैं आपको शाम में अपडेट कर पाऊंगा, अभी नहीं ठीक है। जी। आप देखो थोड़ा सा बाउंड्री बाउंड्री पर रेड आया, लेकिन हमें तो सॉलिड रेड कलर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आराम से कैसे कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है जी? इतना काम करिए फिलहाल आज के लिए, और कोशिश करो जो भी हैं देखो उनको बोलो आपस में सबको, यार कम से कम बैच तो ज्वाइन कर लें। अभिषेक फिर गायब है, उनका ही अता पता चलता कुछ क्या तरीका है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।